दिल्ली के राउज एकेडमी में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और कोचिंग सेंटर्स पर नकेल कसने का काम शुरू हो गया है। डिवकॉम जम्मू के निर्देश पर कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए जम्मू जिला स्तर पर कमेटी बनी है। इस कमेटी ने पहले दिन 5 कोचिंग सेंटरों की जांच की और संचालकों से निबंधन प्रमाण पत्र मांगा। हालांकि संस्थानों ने इसके लिए कमेटी से समय मांगा है। कोचिंग सेंटरों की जांच कर उन्हें जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। 1 सप्ताह में सभी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू शहर में कुछ कोचिंग सेंटर हादसों को न्योता दे रहे हैं। तंग गलियों में चल रहे शिक्षा के इस बाजार में ग्राहक की सुरक्षा के प्रबंध नजर नहीं आते। एक अनहोनी होने पर नुकसान का अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा। शहर के कच्ची छावनी, कृष्णा नगर, रिहाड़ी, पक्काडंगा, गांधीनगर में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। कच्ची छावनी और कृष्णा नगर में संकरी गलियों में कोचिंग संस्थान है, लेकिन यहां आग से बचाव का कोई इंतजाम नहीं है। कई कोचिंग सेंटरों में प्रवेश के लिए सीढ़ी इतनी संकरी है कि झुक कर जाना पड़ता है, तो कहीं पर प्रवेश और निकास एक ही है। हालांकि दिल्ली की तरह यहाँ बेसमेंट में क्लासेस की व्यवस्था नहीं है। कच्ची छावनी में अधिकांश कोचिंग सेंटर 1 से 2 कमरों में चल रहे हैं। यहाँ वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कोचिंग सेंटर वाले भवन के साथ बिजली की तारों का जंजाल है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। सरकारी कागजों में जिले में सिर्फ 75 कोचिंग सेंटर ही पंजीकृत हैं, जबकि सिर्फ शहर में ही 300 के करीब कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। ये वो संस्थान है जहाँ नियमों की सबसे ज्यादा अनदेखी हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये कमेटी जमीन पर काम करती है या फिर ये भी बाकी कमेटियों की तरह कागजों में ही रह जाती है।